हाय, अगेन मी। काफी लोगों को लग रहा है कि मैंने जो लास्ट वीडियो जो बनाया है, काफी मैं कंपेनिंग कर रहा हूँ इलेक्शंस पार्टीज के लिए। सॉरी, मैं किसी भी इलेक्शन पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान को इंसान समझा जाए। ये जितने भी नाटक चल रहे हैं पार्टीज के बीच में, आज मैंने एक और नाटक देखा जिसमें मुझे बहुत हंसी आई। एक मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, एक चीफ मिनिस्टर होता कौन है? चीफ मिनिस्टर मेरी नज़र में एक बिना वर्दी का फौजी होता है, जो देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। देश के ऊपर जो भी आ जाएगी वो अकेला झेलेगा, मर जाएगा लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। आज मैंने मिस्टर केजरीवाल को यहाँ के अंदर बाहर खड़े होकर एक पता नहीं कौन सा डिब्बा सा लेके वो भाषण दे रहे थे। लोगों को ये बता रहे थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ। मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि एक फौजी रो रहा है, बता रहा है कि कारगिल युद्ध में मेरे साथ क्या क्या हुआ, पाकिस्तानी ने मुझे इतना मारा, ये मारा मारा। चीफ मिनिस्टर रो रहा है। अगर ऐसा इंसान चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो सिर्फ विकास नहीं, हमेशा विनाश करेगा। प्लीज केजरीवाल साहब, आपका एक पोस्टर देखा, इसको देख के और हंसी आई। उस पोस्टर में आपने बिजली के रेट आपके बताए, फिर बीजेपी के बताए, हर किसी का आप क्रिटिसाइज किए जा रहे हो एक दूसरे को कि इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, साइड हटाओ, जिसने खाया जिसने पिया जाने दो। अब आपके पास क्या आइडियाज हैं? आप आम आदमी बोलते जा रहे हो, लोगों को आम बनाए जा रहे हो। मुझे तो लोगों से ये जो भी आम आदमी की टोपी पहन के घूम रहा है उस इंसान के अंदर मुझे आम ही दिखने लगा। पता चलेगा कई लोग ऐसे पूछने लगेंगे कि भाई कितने रुपए के लोग बिक रहे हो। प्लीज आपके पास कुछ आइडियाज हैं? लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करो। आपके पास आइडियाज हैं कि एक भिखारी को वो सपना दो? लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि मैं चाहता क्या हूँ। चाहता मैं ये हूँ कि अगर बिजली कम होने से, पानी फ्री होने से, अगर मेडिसिन, इन चीज़ों से, अगर हमारे देश का जो भी 20 साल का एक नौजवान है उसको क्या फर्क पड़ता है? कभी सोचा है 20 कॉलेज खोलने के बाद भी कभी सोचा है उस लड़के के पास आज कॉन्फिडेंस है या नहीं? आज 20 साल के बच्चे से पूछो कि बनना क्या चाहता है, वो नहीं पता। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक शख्स के अंदर उसे पता चले वो किस मकसद के लिए पैदा हुआ है। क्यों जानवरों वाली लाइफ जिलवा रहे हो? हर किसी को पैसा पैसा पैसा। मैंने पहले भी आप लोगों से एक बात पूछी है कि आज इंसान को इतना डरा रखा है कि इंडिया में पैसे को भगवान बना दिया, लक्ष्मी माता। अगर लक्ष्मी माता सिर्फ इंडियंस की भगवान है तो अमेरिका या दूसरे देशों में ज्यादा क्यों रहती हैं? यार मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज काबिल, जो काबिल होता है उसको कभी भी महंगाई या इन पैसों से लक्ष्मी माता की टेंशन नहीं होती। सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी काबिल लोग हैं वो किसी भी देश में जाए उनके पीछे लक्ष्मी माता चली आती है। अगर हर एक इंसान के अंदर देखा जाए तो काबिलियत है, हर एक इंसान किसी मकसद के लिए बना है वो, लेकिन आज ढूंढ नहीं पा रहा, सर्च नहीं कर पा रहा, फ्रस्ट्रेशन में पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। कभी सोचा है गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए? और यही चीज़ बीजेपी लेके चल रही है कि उन्होंने अपने कार्य दिखाने हैं कि हाँ भाई हमने इतना इतना कार्य किया। अरे यार आप इस चीज़ के लिए बनो, ये तो हम अपने घर में कर ही लेते हैं ना मैनेज। आप वैसी चीजें दीजिए जिसकी वजह से जनता को लाइफ मिले, जिंदगी मिले। एक भिखारी को वो सपना भी, वो कभी अपना सपना भी नहीं देख सकता कि किसी दूसरे देश में जाके घूम सके। मैं बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्यों? कि उसे इस तरह से लेके ना चला जाए कि एक फॉरेन ट्रिप दिलवाने की बात कर रहा हूँ। मेरे पास मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है लोगों को लगेगा पैसा कहाँ से आएगा। अरे मैं ऐसी बात कर रहा हूँ तो मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है, मैं बता सकता हूं कि हाँ उसकी वजह से अगर ऐसा किया जाएगा तो डेफिनेटली हर एक शख्स के पास इतना पैसा होगा कि वो साल में एक बार अपना वर्ल्ड टूर, अपना फॉरेन ट्रिप कर सकता है। सो प्लीज ये चीजें चाहता हूं मैं कि हर एक इंसान बाहर जाए, सीखे। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट वे टू लर्निंग, लोगों को सीखने को मिलेगा। जब वो इंसान बाहर जाएगा तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आएगा। आज मेरे देश में हर एक इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही निल है, नेगेटिव, हर चीज का नेगेटिव लेके चलता है, पॉजिटिवली सोचना ही नहीं चाहता। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर सक्सेस इतने इजी वे में मिल सकती है सच्चाई के साथ तो उसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट इस चीज को बारे में क्यों नहीं सोचता? जो चीजें अच्छी हैं मैं उन चीजों को बोलूंगा, लेकिन हाँ केजरीवाल साहब आप गलत हो। चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे आप अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो शोभा नहीं देती। ऐसी हरकतें हम स्कूलों में करता करते, स्कूलों में हम किया करते थे जब हम लोग, मैं ये नहीं करूंगा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं नहीं खेलूंगा, ये नहीं करूंगा। आप चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे ऐसी बात कर रहे हैं, देशभक्त बोलते हैं अपने आप को, मुझे हंसी आती है आप लोगों को देख के ऐसे। और जो बेवकूफ बने लगे रहते हैं आप लोगों के पीछे, आपसे दो बार मिलने की चाहा था कृष्णा नगर में, आपसे मिलने चाहा था। मैंने बताया मैं टेररिस्ट नहीं हूं ना क्रिमिनल हूं, मैंने इनफैक्ट अपना आर्ट भी दिखाया, मैं एक डांसर हूं, मैंने डांस भी किया,
तब भी आप कह रहे हैं वॉलेंटियर्स ने मुझे उठा के बाहर फेंक दिया, तब मुझे पता चला, मुझे ये कह रहे थे कि आप प्रोग्राम खराब मत कीजिएगा। अरे वहां पर मुझे ये बताइए, कोई कंपनी लॉन्च हो रही थी या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था? अरविंद केजरीवाल का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है? सर जी आप गलत कर रहे हैं, मैं आप कोई भी काम करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे देश को लेके अगर आप सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं रेडी नहीं हूंगा और मैं खड़ा हूं आपके सामने। आपको डिबेट करनी है किसी से मत कीजिए, मुझसे कीजिए। आई एम चैलेंजिंग यू, यू आर रॉन्ग पर्सन। आई एम चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे रह के आप उसको नहीं जान पाएंगे, चीफ मिनिस्टर होता कौन है वो शख्स कभी काबिल नहीं हो पाएगा। आपने पहली गलती, सबसे बड़ी पहली गलती की, जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर होकर आप कुछ ना कर पाए। इनकम टैक्स कमिश्नर वो होता है जो सबसे बड़ा राजा होता है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर जो भी गलत करेगा उसको भी पकड़ सकता था। मैं तो आज बोलता हूँ एक हर एक शख्स को कि अगर सामने वाला गलत काम करता है तो उसको मुंह पे बोलो, बताओ कि वो गलत कर रहा है, तभी हमारा देश संवरेगा। लोगों को बाहर जाने का मौका दिया जाएगा, एक कंपल्शन डाला जाएगा, ताकि जब बाहर जाएंगे तो मेंटेलिटी चेंज होगी, एक अच्छी सोच, अच्छा देश बनेगा, सफाई रहेगी। जब तक देखेंगे कैसे होता है, वहां जाकर पता चलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को छोटे कपड़े पहन के ये होता है वो होता है, बाहर जाओ, वहां जाके देखेंगे वो लोग कितनी गालियां देंगे एक दूसरे को कि हाय ये हाय हाय। कुछ टाइम रहेंगे उनके पास तो देखेंगे उनकी नजरें कि यहाँ पे कम कपड़ों में लड़कियां भी को इंसान समझा जाता है, यहाँ तो पूरे कपड़ों में भी इंसान नहीं समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है, उनको सुरक्षा दी जा रही है। अरे मेरे देश की लड़की भी इंसान है, प्लीज यार इस चीज को समझ लो। डिफरेंस है एक लड़का एक लड़की के अंदर, जो बॉडी पार्ट्स में है उसको अलग मत करो। डिफरेंस है, उस डिफरेंस को रहने तो, वो भी इंसान है, उसके पास भी दिमाग है, उसकी भी इच्छाएं हैं, कोई वीक नहीं है, तुम वीक क्यों बना रहे हो? कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से प्लीज मेरा देश तरक्की करे।